इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऑक्सीजन पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासत हो रही है। देश के अलग अलग राज्यों में डिमांड के मुकाबले ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम है। आज प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। प्रियंका ने आज कहा कि पहली और दूसरी लहर के बीच सरकार के पास बहुत वक्त था, फिर भी सप्लाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई। स्टॉक होने के बावजूद ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। हमने ठीक तरह से प्रेपरेशन किया होता, अगर हमने तैयारी की होती, तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में हमारे पास कई महीने थे कि हम इसके लिए हम तैयारी कर सकते थे। कैसे? देश, हमारा देश जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने के माध्यम, उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई है। आपके पास 8-9 महीने थे, आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेस कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। आपके पास समय था, आप ये सुविधा बनवा सकते थे, वॉर फुटिंग पर करा सकते थे। आज स्थिति ये है कि हिंदुस्तान में मात्र 2000 ऐसी ट्रकें हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी ये है कि देश में ऑक्सीजन उपलब्ध है लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा है। देश में अगर ऑक्सीजन है तो वो अस्पतालों तक, राज्यों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? सप्लाई की कमी है या ट्रांसपोर्ट करने की दिक्कत है? अस्पतालों में जो हादसे हो रहे हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार है और इसमें सियासत कितनी जरूरी है इस वक्त, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की सांसद होंगी, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होंगी। बस इस छोटे से ब्रेक के बाद नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।